हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड फन नाइन टेंथ इलेवन पे जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो एज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स और सिविक्स की पूरी पूरी मैराथन कल और आज में निपटा ली तो दिन में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया दो टेस्ट का इकोनॉमिक्स के और सिविक्स के एंड बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल आ गए मेरी मेल आई पे टेस्ट पूरा किया हुआ तो दिस वीडियो इज फॉर दैट टेस्ट डिस्कशन जिसने अभी तक टेस्ट नहीं किया है अभी रुक जाओ टेलीग्राम पे टेस्ट डाला हुआ है पीडीएफ फॉर्म में सिविक्स का भी और इको का भी वो अटैम्प कर सकते हो एक एक घंटे का टेस्ट है एंड वापस इधर आ सकते हो फॉर करेक्शन या फिर अभी बैठ के सुन भी सकते हो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने एमसीक्यू केस बेस सब्जेक्टिव सब कुछ कवर किया है तो लेट्स बिगिन अगर आपको यहाँ पे ये क्लिप ये स्निप ब्लर लगे तो टेलीग्राम पे पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है तो देखिए सबसे पहला सवाल आपका कह रहा था कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है गिवन ऑप्शन से यानी कि एमसीक्यू का सवाल है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस ऑन लिबरेशन देखो ये डिलीटेड है मैं पहले बता दूं ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड था लेकिन अगर आ जाता है तो लिबरलाइजेशन यानी कि ट्रेड पर से रिस्ट्रिक्शंस कौन हटाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यूटीओ डैश इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम ये सारे इंडिकेटर्स इनमें से कौन इस्तेमाल करता है बी एम आई एच डी आई यू एन डी पी ऑफ दी अबव तो यहाँ पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कैपिटा इनकम भी लेता है आपका एजुकेशन भी लेता है और बाकी इंडिकेटर्स भी लेता है रमन हैज बीन वर्किंग विदनी वेर ही हैजॉब सिक्योरिटी ही इज पेड फॉर ओवर टाइम रमन को वर्क वो किस सेक्टर में काम कर रहा है उसके पास सारी चीजें हैं सिक्योरिटी भी है तो ऑब्वियसली बात है इट इट इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर तभी उसके पास जॉब सिक्योरिटी है रेगुलर इनकम मिल रही है उसको छुट्टियां भी मिल रही हैं डैश इज एन असेट दैट द बोरोवर ओन्स सच है लैंड बिल्डिंग और ये गारंटी की तरह रखता है लोन में तो ये हो गया आपका बच्चों को लेटरल को लेटरल क्या है एक ऐसा असेट जो बोरो ओन करता है और गिरवी रखता है लोन लेने के लिए असर्शन रीजन असर्शन कहता है बाटर सिस्टम वॉज यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिल्कुल बात सही है मनी एलिमिनेट द नीड फॉर डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्स सिंस मनी इनेबल्स द एक्सचेंज प्रोसेस इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं देखो यार बातें दोनों सही हैं लेकिन इसकी ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी है अगर यहाँ पे लिखा होता कि बाटर सिस्टम जो है पुराने ज़माने में यूज़ होता है क्योंकि मनी नहीं थी या तो ये लिखा होता तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा बी क्यों दोनों बातें सही है लेकिन आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अब ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट किया है बहुत सारा कंपटीशन मार्केट में बिल्कुल सही बात है लास्ट टू थ्री डेकेड में देखा जा रहा है एमएनसीज काफी इस चीजों में यानी कि लोकेशन वगैरह देख रही है फैक्टर्स इनेबल ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी लिबरलाइजेशन के साथ साथ एमएनसी भी एक फैक्टर है तो दोनों आपस में रिलेट करते हुए आंसर लेके आएंगे

को लेटरल नहीं होती को लेटरल अगर नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों वो लोन नहीं ले पाएंगे ये सबसे बड़ा कारण होगा उनको लोन ना मिलनेगा मनी लेंडर्स आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट को बात तो सही है इनफॉर्मल सेक्टर में कोलेटरल कोई नहीं मांगता है मनी लेंडर्स नो द बोरवर्ड पर्सनली द बोरवर्ड कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग द अर्लियर लोन्स है भाई क्या ऐसा होता है कि वो पुराना लोन भी नहीं चुकाते हैं और उन लोगों को आगे का लोन मिल जाता है क्या ऐसा होता है बच्चों ऐसा होता है हाँ जी उनको क्या है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है मिल रहा है तो ठीक नहीं मिल रहा तो भी ठीक नहीं मिल रहा तो भी ठीक अगला वॉट इज द एम ऑफ द लोन सैंक्शन टू एस एच जीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरा मैराथन में सब कुछ समझाया है सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं क्या मेन एम है इस्टेब्लिश करना इंडस्ट्रीज़ फ़िशरीज़ सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या एग्रीकल्चर को डेवलप करना तो बच्चों ये लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें नेक्स्ट मोस्ट ऑफ़ द सिग्निफिकेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय कौन लेता है ऐसे में मेनली कौन डिसीजन लेता है ग्रुप मेंबर्स लेते हैं देखो यार तुम लोग आपस में कमेंट्स में लिखते रहते हो ये लाइव है या रिकॉर्डेड है तो ऑब्वियसली बात है रिकॉर्डेड है क्योंकि हमें जल्दी से इसकी करेक्शन करनी है लाइव हम आज ही रात को नौ बजे आ रहे हैं आशु सर और मैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स और सिविक्स के कंप्लीट धमाकेदार एम करने वाले हैं पूरे इको पूरी सिविक्स से चलो चलो वेरी शॉर्ट गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कमेंट रुकने नहीं चाहिए पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन तो इंडियन रेलवेज लिख सकते हो है ना भाई इंडियन रेलवेज लिख सकते हो ओहो इंडियन रेलवेज बहुत मोटा पेन हो गया और आप लिख सकते हो एम टी एन एल एम टी एन एल भी लिख सकते हो आप अच्छा ग्रामीण बैंक किसने शुरू किया तो शुरू किया मोहम्मद यूनस जी ने मोहम्मद यूनस 1970 में 1970 में अंडर डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड मैंने आपको बताया था डॉलर्स के मुकाबले अगर देखो तो अंडर डेवलप्ड क्या है डॉलर्स के मुकाबले यहां भाई मैं कमेंट नहीं रुकने चाहिए कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए यहां पे बेसिकली यस यहाँ पे बेसिकली लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का और इनकम भी कम होती है इनकम भी कम होती है नाउ फोर्टीन क्वेश्चन इज डिलीटेड बेटा एस ईजी नहीं आ रहा है माफी एस ईजी नहीं आ रहा है अगला शॉर्ट आंसर मेन क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक क्या यूज़ करती है बच्चों तो यूज करती है पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम की डिस्पैरिटीज यानी कि डिसएडवांटेज क्या है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम नहीं दिखाती है ये सारे और एस्पेक्ट्स जैसे कि जैसे कि एडुकेशन हेल्थ इस सबको इग्नोर करती है लिटरेसी एंड ऑल को इग्नोर कर देती है ठीक है ना ये इग्नोर करती है अगला जी ट्वेंटी के बारे में बता दीजिए कैसे ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो बेटा जी इसने अराउंड 80 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का क्योंकि जी ट्वेंटी एक इंडिया का नहीं है एक देश का नहीं है पूरे वर्ल्ड का है इसलिए हम जी एन पी नहीं बल्कि जी डब्ल्यू पी की बात करेंगे ऑल्सो इसका टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की वो इसकी पार्टिसिपेंट है साथ ही साथ पूरे नेशन्स जो भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं यानी कि ट्वेंटी नेशंस वो ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया कवर करते हैं तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है ये इसका एरिया है जो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेक्स्ट इज हाउ डज मनी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बाटर सिस्टम तो बेटा जी मनी ने तो भैया बाटर सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ड हटा दी स्टोर ऑफ वैल्यू कर दी मनी की वैल्यू ले आया मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस हल्का कर दिया साथ ही साथ ओवरऑल ग्रोथ और ईजी कर दिया ट्रेड मार्केट को ईजी कर दिया ठीक है मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएंप्लॉयमेंट बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम देखो डिस्गाइ अन एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है अदर नेम ऑफ डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे इंसान दिखता तो है काम करता हुआ लेकिन होता नहीं है एग्ज़ाम्पल दे दो यार एक खेत पे चार लोग चाहिए छह लोग काम कर रहे हैं बाकी के दो अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डिजगाइ अनएम्प्लॉयड है ऐसी एक अर्बन एरिया का बता दो एक कंपनी है कंपनी या एक घर है घर में दो मेड आराम से काम कर सकती हैं तीसरी मेड भी रख ली तो इससे डिजगाइ अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो ऐसे आप कोई भी दो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे सकते हो एंड ये आपका था इको का टेस्ट ये आपका था इको का टेस्ट क्लियर है तो थम्सअप दे दो आपको क्या लगता है आपने इसमें कितने मार्क्स स्कोर किए ये भी ज़रा बता दो ये भी ज़रा बता दो कि कितने मार्क्स आपने यहाँ पे स्कोर किए अब हम चलेंगे आगे सिविक्स के टेस्ट में आओ जी सिविक्स का टेस्ट पहला क्वेश्चन क्या कहता है पहला क्वेश्चन क्या कहता है कहते हैं स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग मैं स्क्रीन की तरफ ही देख रही हूँ आपको लगे मैं कहाँ जा रही हूँ मेरी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ आप लोग के कॉमेंट दिखते हैं यहाँ खुद को मैं दिखती हूँ हां जी तो क्या है बच्चों क्या है बच्चों यहाँ पे बता रहे हैं कि बार ग्राफ को स्टडी करो और बताओ वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कह रहे हैं कौन सी कंट्री की लीस्ट पार्टिसिपेशन है तो आप देख सकते हो हमारा प्यारा भारत देश सबसे लीस्ट पार्टिसिपेशन है औरतों का जिसमें वो है इंडिया नेक्स्ट सवाल गाइडिंग फिलोसफी क्या है भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पे ना तो बहुजन समाज है या ये है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म हिंदुत्व अंध्यो अंत्योद्या इन सब पे ये कंट्रीब्यूट करती है वाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन ऑल द अदर ऑल्टरिव ये इक्वालिटी प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ करती है क्रिएटिंग अ पॉल्यूशन फ्री इक्वालिटी अमंग इन्वाटीजन देखो पहले और आखिरी में क्या फर्क है वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज और citizens. तो एक्चुअली ये सिटीजन के बीच में इक्वालिटी लेके आती है राइट right? चलो हु एक्ट एज एन एम्पायर मैंने बताया जुडिशरी जुडिशरी कोर्ट में बैठता है कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो टॉप लेवल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे ठीक है सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे चलो मेजर स्टेप टू और डिसेंट्रलाइजेशन लिया गया 1992 में तो भैया क्या था इसके अंदर रेगुलर इलेक्शन होंगे वन थर्ड सीट जो होंगी वो वुमेन वो मेन के लिए होंगी इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है स्टेट इलेक्शन कमीशन संभालेगा या फिर इनको अपनी पावर्स बांटनी पड़ेंगी लोकल लेवल से तो क्या होगा आदमियों के लिए सीट रिजर्व नहीं थी सीट रिजर्व थी औरतों के लिए तो ये गलत है द इमरजेंस ऑफ डैश पार्टीज हैज लेड टू द एर ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट मेरी जान कोलेशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट कैसे आया जब दो लेवल बने दो लेवल मतलब एक नेशनल और दूसरा रीजनल पार्टीज यानी कि स्टेट पार्टीज ओके असरशन रीजन पे चलते हैं असरशन रीजन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जैसे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बात तो सही है कर सकते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल बिल्कुल भाई ए कर दो इसका तो बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स हर एक के पास इक्वल पावर्स मतलब कि सिमिलर पावर्स तो नहीं होती हैं सम स्टेट्स एन्जॉय स्पेशल स्टेटस बात तो ये भी सही है कहींयों के पास स्पेशल स्टेटस होता है नागालैंड हो गया जे एंड के हो गया कहींयों के पास स्पेशल स्टेटस होता है तो दोनों का हो गया ए ए, ए स्क्वायर हो गया क्लियर चलो यार ये आई थिंक आपका केस बेस था बेस में बड़े टुच्चे क्वेश्चन थे यार श्रीलंका कितने किलोमीटर दूर है किससे तमिलनाडु से तमिलनाडु तमिल किसका इंडिया का अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन क्या है श्रीलंका की दो करोड़ हाँ दो करोड़ उसके बाद प्रपोर्शन क्या है इंडियन का, 18%, 13 तमिल्स का टोटल अट्ठारह परसेंट तेरह परसेंट श्रीलंकन तमिल्स पांच परसेंट इंडियन तमिल्स मोस्टली सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट और हिंदूस बुद्धिस्ट बुद्धिज्म को फॉलो करते थे ना ये लोग ये लोग किसको फॉलो करते थे बुद्धिज्म को यस yes, फॉस्टर भी उसको करते थे प्रोटेक्ट भी उसको करते थे तो बुद्धिज्म ठीक है ठीक है चलो हु चूज कैंडिडेट्स इन कंट्री लाइक यूएसए टू पार्टी सिस्टम है बेटा पार्टी ही चुनती है टू पार्टी सिस्टम है पार्टी ही चुनती है कैसे पार्टीज गवर्नमेंट चलाती हैं ये क्या करती हैं बेटा लॉ एंड ऑर्डर बनाती है फॉर सिटीजन बाय मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर द सिटीजन रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी बेटा ये क्या करता है ये बताता है पॉइंट आउट रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी क्या गलती कर रही है रूलिंग पार्टी वो ये लोगों के सामने पोल खोलता है ठीक है चलो वेरी शॉर्ट कह रहे हैं, एक तरीका बताओ वुमेन को प्रोटेक्ट करने का उनको एडुकेशन दो उनको करियर ओरिएंटेड बनाओ सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट कम्यूनल हार्मनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज़ कम्यूनल का मतलब रिलीजन के बेसिस पे हारमनी नहीं है यूनिटी नहीं है कैसे उसको लेके आया जाए तो बेटा जी कम्युनलिज्म की बुराइयाँ बताओ और इनका प्रॉपर बताओ कि ये लोग लोगों को डिवाइड कर रहे हैं तभी उनको समझ आएगी कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है बेल्जियम की पॉपुलेशन लिटल ओवर वन करोड़ हरियाणा के जितना एरिया था क्या मोटिव था डिसेंट्रलाइजेशन लाने का बेटा जी ताकि एक ऐसी सरकार हो जो क्लोजली प्रॉब्लम्स को देख पाए पावर्स डिवाइड हो जाए साथ ही साथ लोकल लेवल पे ही बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्ट हो जाए ऊपर तक पहुंचे ही ना क्योंकि ऊपर वाले लंग, बंदे इतने वेले तो हैं नहीं वर्टिकल डिविज़न आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों यहाँ पे आप सेंट्रल यानी कि यूनियन देन स्टेट एंड देन लोकल को एक्सप्लेन करोगे लोकल को एक्सप्लेन करोगे दैट इज़ वॉट फेडरलिज्म एक्चुअली मीन्स फेडरलिज्म के फीचर्स आज ही किए सुबह मैराथन में दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट एक ही टाइप के सिटीजन्स को सारी सरकारें रूल करती हैं जुरिस्डिक्शन पहले से ही स्पेसिफाइड होती हैं इनको हम एक वन चेंज नहीं कर सकता यूनिलेटरली चेंज नहीं हो सकते दोनों हाउसेज दोनों लेवल से परमिशन चाहिए होगी साथ ही साथ फाइनल एम्पायर तो बैठा ही है आपका जुडिशरी दिस इज़ वॉट योर इको का टेस्ट एंड सिविक्स का टेस्ट हमने पंद्रह मिनट में खत्म कर लिया आज रात को नौ बजे हम कर रहे हैं इसके एम सी क्यूज ऑल द वेरी बेस्ट बस मिलते रहो और एकदम आज रिकॉर्ड बना देंगे बढ़िया एनर्जी के साथ आना कोई नौ बजे लेट नहीं है ग्यारह बजे तक जितने सवाल होंगे निपटा देंगे क्योंकि कल सुबह नौ बजे हमें हिस्ट्री करनी है हमें कल सुबह नौ बजे हिस्ट्री करनी है तो सी यू ऑल टूडे एट नाइन पी एम ऑल द वेरी बेस्ट पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो